कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, गिरफ्तारी की तलवार लटकी। संसद की स्थायी समितियों का गठन हुआ, 24 में से 13 समितियों की अध्यक्षता बीजेपी और 4 समितियों की अध्यक्षता कांग्रेस को मिली। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा कमेटी ऑन होम अफेयर्स के अध्यक्ष बने। महाराष्ट्र के सतारा से एनसीपी सांसद उदयनराजे भोसले का लोकसभा से इस्तीफा, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के जालौन में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बाबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिक पोती, कहा इस नाम का रोड बदलना चाहिए। एनडीएमसी ने बोर्ड की सफाई कराई। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। दिल्ली की हवा बेहतर बनाने के लिए 4 नवंबर से ऑड इवन फार्मूला लागू होगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले अब इसकी जरूरत नहीं। बाढ़ की चपेट में स्पेन, सेना ने मोर्चा संभाला। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 के लिए धर्मशाला पहुंची टीम इंडिया।